Hi kids, am I audible to you guys? Yes, am I audible to you? Am I audible to you? Yes, bachcho, am I audible to you? Audible, audible, audible. Huh? Chalo, so very good afternoon to all of you. Welcome to Vedantu Neat Made Easy. I'm your master teacher, Ambika Sharma. So welcome to the session. वेलकम। सो आज कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, पता है तुम्हें? आज होमवर्क के अप्रिसिएशन के साथ। सो जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू दैट। और लास्ट क्लास का होमवर्क वेरी गुड, वेरी गुड साफिया, वेरी गुड बच्चे सुरभि, फिजा, एक्सेलेंट समीक्षा, जन्नत, अतुल। अच्छा, अतुल ने होमवर्क नहीं किया, बस तारीफ की है। थैंक्स अतुल, थैंक्स एम के खान, राशिद। इज दिस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3? नो चेतन, वेरी गुड कनिष्का। सो वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनको वेरी 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 गुड। सो हाउ आर यू बच्चों, कैसी चली है तुम लोगों की तैयारी? फेस्टिव सीजन है, ऐसा तो नहीं है डिस्ट्रैक्ट हो गए हो? पढ़ाई चल रही है ना प्रॉपर? पता है ना, ये अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में ये फेस्टिव सीजन, और फरवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मन करता है गिवअप करने का, और इन्हीं 2-3 महीनों को संभालना होता है। डू यू नो दैट? हाँ, इन्हीं 2-3 महीनों को संभालना होता है। इन्हीं 2-3 महीनों को अगर तुम लोग संभाल गए और इस टाइम पर अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ गए तो बस गाड़ी एकदम स्मूथ फ्लो में चलेगी। नहीं, गाड़ी एकदम स्मूथ फ्लो में चलेगी, और अगर इस टाइम पर गड़बड़ करके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, राइट? आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, राइट? सो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है, सो शुरू करें आज की क्लास। एक क्वेश्चन पूछने के बाद करूँ आज की क्लास शुरू? व्हाट से? चलो, सो जल्दी से बताओ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। फटाफट मुझे एग्जाम्पल्स बता दो ग्रीन एल्गी के, जल्दी से मुझे एग्जाम्पल्स बता दो ग्रीन एल्गी के। क्विक, डू इट। यस अंकित भाई, पलक, एंड बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करो। इतने कम बच्चे क्यों है? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी के बच्चे कहाँ है आजकल? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है? टेस्ट वेस्ट चले हैं जी? सो एग्जाम्पल्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला विच इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, एंड द क्लेमाइडोमोनास। ठीक है बच्चे, सो ये सारी चीजें आ जाती हैं ग्रीन एल्गी में, राइट? ग्रीन एल्गी में। सो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेरिडोफाइट्स। बच्चे हम लोग ऑलरेडी एल्गी का लाइफ साइकिल, ओके, एल्गी का पूरे का पूरा लाइफ साइकिल, इंडिविजुअली एल्गी के प्लांट्स का पूरा लाइफ साइकिल, एल्गी के बारे में सारी डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रायोफाइट कंप्लीटेड है, आज टेरिडोफाइट करेंगे। मंडे को हम लोग जिम्नो एनजीओ साथ में करके इस चैप्टर का वन शॉट लगा लेंगे, ओके? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट लगा लेंगे। इज दैट क्लियर किड्स? सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट, राइट? सी लाइफ साइकिल। सो तुम्हें पता है कि चाहे ब्रायोफाइट है चाहे टेरिडोफाइट्स है, दोनों में हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? ये पार्ट मैंने तुम्हें सबसे पहले करवाया था। आकाश, पीयूष, राशिद, फिजा, जन्नत, श्वेता, अनुराधा, शेख, इंशा, जल्दी, ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें सबसे पहले करवाया था। हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल गाइस, हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डू यू रिमेंबर दैट? ये हिमांशी, पीयूष, कनिष्का, फिजा, पलक, हाँ। सो हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायो में भी है, टेरिडो में भी है। कोई बच्चा जो मुझे यहाँ पर एक डिफरेंस बता सके कि हाँ मैम दोनों में है लेकिन ये डिफरेंस है? एनी वन इन द क्लास? जी अक्षोभ्या, जल्दी, मयंक, आशीष, क्या डिफरेंस है दोनों में? अनुराधा, नो, ना बच्चे ना, एन इज इक्वल्स टू 2n, ये क्या चल रहा है? कुशाल, नहीं, प्लांट बॉडी क्या है कनिष्का डिफरेंस? सही जा रहे हो,
ब्रायो वेरी गुड आने का, एक्सीलेंट आने का. इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट इट इज द गैमेटोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज, विच इज द फ्री लिविंग फेज, विच इज द फोटोसिंथेटिक फेज, राइट. ब्रायोफाइट्स के केस में ये स्टोरी थी. लेकिन जब तुम लोग बात करते हो टेरिडोफाइट्स की, सो टेरिडोफाइट्स के केस में, राइट, टेरिडोफाइट्स के केस में क्या स्टोरी है बच्चों? टेरिडोफाइट्स के केस में है तो हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, लेकिन टेरिडोफाइट में इट इज द स्पोरोफाइट, इट इज द स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज, विच इज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज. लाइफ स्पैन का ज्यादा हिस्सा स्पोरोफाइट के, हाँ स्पोरोफिटिक होगा. लेकिन इसके केस में एक और बड़ी स्पेशल चीज है बच्चे एम के खान, एक बहुत बड़ी स्पेशल चीज है कि इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इवन द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज, राइट, इवन इट इज द फ्री लिविंग वन, इट इज द फोटोसिंथेटिक वन. यहां कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यहां कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. दिस इज द स्पेशल थिंग इन द केस ऑफ योर हैप्लो टेरिडोफाइट्स, राइट, दिस इज द स्पेशल थिंग इन द केस ऑफ योर टेरिडोफाइट्स. इज दैट क्लियर? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? सो क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की. हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की. व्हाट आर वी टॉकिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरिडोफाइट्स. What are we talking? We are talking about the pteridophytes. So, जब हम लोगों ने pteridophytes की बात की तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये पॉइंट दोबारा भी बता दिया कि स्पोरोफाइट है डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है जी, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट. याद है फर्स्ट क्लास में जो एक फ्लो चार्ट डिस्कस हुआ था? डू यू रिमेंबर दैट? फर्स्ट क्लास में जो एक फ्लो चार्ट डिस्कस हुआ था, डू यू रिमेंबर दैट? किसी को क्या वो फ्लो चार्ट याद है? किसी को क्या वो फ्लो चार्ट याद है? याद है क्या किसी को वो फ्लो चार्ट? हाँ, जहां पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि व्हेन इट कम्स टू द टेरिडोफाइट्स, राइट, दे हैव, राइट, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैविंग वेस्क्युलर टिश्यू, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैविंग वेस्क्युलर टिश्यू, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वेस्क्युलर टिश्यू. समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या है ये टेरिडोफाइट्स? दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट हैविंग वेस्क्युलर टिश्यू. जिसके पास क्या है? जिसके पास है वेस्क्युलर टिश्यू. ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम. एंड यस, दिस इज द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट विच इज डिफ्रेंसिएटेड इंटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, True reptiles, true root, true stem, and true root, true stem, and true leaves, right? True root, true stem, and leaves. Is that clear? Yes, बच्चे, is that clear? So, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या क्या है इन pteridophytes के केस में? Yes, sporophyte is the dominating one, but gametophyte is also independent. The gametophyte is also independent without any doubt. Even that is independent. ठीक है बच्चे, उसके अलावा क्या है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वेस्क्युलर टिश्यू है, ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, और ट्रू लीव्स है. सो इफ यू रिमेंबर दैट फ्लो चार्ट, सो हमने डिस्कस किया था जिन प्लांट्स के पास वेस्क्युलर टिश्यू होता है वी कॉल देम एज ट्रैकियोफाइट्स, वी कॉल देम एज ट्रैकियोफाइट्स, वी कॉल देम एज ट्रैकियो फाइट्स. वेरी गुड फिजा, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एंड यस, वी नो दैट इन देयर केस सीड्स आर एब्सेंट. सो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तीनों क्या है, राइट, तीनों क्या है? क्रिप्टोगैम्स. व्हाट आर दे? दे आर क्रिप्टोगैम्स. व्हाट आर दे? दे आर क्रिप्टोगैम्स. इज दैट क्लियर? यस एवरीवन, जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? यस जन्नत जी, एम के खान, इतना पार्ट क्लियर है? सो दे आर द वेस्क्युलर क्रिप्टोगैम्स, दे आर द वेस्क्युलर क्रिप्टोगैम्स. पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वेस्क्युलर टिश्यू है, सीडलेस है,
So sporophyte will be the dominant one, but gametophyte, which is inconspicuous, still it is the independent one. ठीक है जी. So यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाँ, और इन्हें हम लोग snakes of plant kingdom भी कहते हैं या फिर reptiles of plant kingdom भी कहते हैं. We even call them as snakes of plant kingdom, और यहाँ पर हम इन्हें reptiles of plant kingdom भी कहते हैं. So this is about the pteridophytes guys, right? So ये एक और life cycle आप लोग देख सकते हो. ये वाला तो क्लियर हो गया होगा अब तक, है ना. ये देखो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड क्या बनाएगा मियोसिस से, स्पोर्स. जब वो स्पोर्स बने वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे. सो गैमेटोफाइट में तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे. जैसे अगर तुम्हें याद है एंथेरिडियम इज फॉर द मेल्स, याद आया किसी को, एंथेरिडियम इज फॉर द मेल्स, आर्किगोनियम इज फॉर द फीमेल्स. Archegonium, it is for the females, right? Female sex organ, archegonium, male sex organ is the antheridium. So ये क्या करेगा? ये बनाएंगे gametes. Gametes हुए fuse, बना zygote. So यहाँ पर जब dominant phase ही sporophyte है, so ये zygote divide करेगा, grow करेगा और इस तरह से गाड़ी चलेगी. लेकिन pteridophytes के केस में हम लोग दो से तीन ऐसे points देखेंगे, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक seed habitat की तरफ कदम रखा था plants ने. ठीक है बच्चे, एक सीड हैबिटेट की तरफ कदम रखा था प्लांट्स ने, ये हम लोग यहाँ से सीखेंगे. जैसे ये देखो, ये है तुम्हारा मैच्योर स्पोरोफाइट, स्पोर बनाए इसने मियोसिस से, स्पोर बनाए, राइट. स्पोर किस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर. स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स किसके अंदर बनेंगे बच्चों, स्पोरेंजियम के अंदर. स्पोर्स किसके अंदर बनेंगे बच्चों, स्पोरेंजियम के अंदर, राइट. फिर होगी स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस, राइट. मियोसिस स्पोर बने, वो स्पोर करेंगे जर्मिनेट, एक पहले प्रोथालस बनाएंगे, फिर वो ग्रो करता 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 क्या करेगा, वो पूरा ग्रो करेगा प्रोथालस, राइट. वो गैमीट बनाएगा, गैमीट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड अगेन तुम्हें पता है पूरा सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है जी, ठीक है जी, ओके आदित्य, ठीक है, वेरी गुड. सो अब ये देख सकते हो तुम लोग, हैव अ लुक. और तुम्हें पता है तुमने टेरिडोफाइट्स देखे होंगे, तुम्हारे फर्न्स, तुम्हारे हॉर्स टेल्स आते हैं इसमें फर्न्स, फर्न्स लोग घरों में भी लगाते हैं. घरों में तुमने देखा होगा कुछ ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे इस तरह के पत्ते निकले हुए हैं, इस तरह के पत्ते ऑर्नामेंटल रहते हैं फर्न्स, लोग घरों में लगाते हैं. अगर तुम लोगों ने कभी नोटिस किया हो कुछ एक लीव्स के पीछे ना ऐसे कुछ पीले पीले से ड्राई से स्ट्रक्चर दिखते हैं तुमको, कुछ पीले पीले से ड्राई से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं तुमको, माइट भी तुम लोगों ने देखा हो, माइट भी तुम लोगों ने देखा हो, देखा है, देखा है शेख बच्चे, कभी नोटिस किया है पत्तों के पीछे ना, पत्तों के पीछे आने का ऐसे ऐसे छोटे से येल्लोइश से कलर के, ऐसे सूखे से लगते हैं, वो है नहीं है सूखे पर लगते हैं सूखे, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं. यही तो है तुम्हारे स्पोरेंजियम, एक तरह से एक ग्रुप बन गया है तुम्हारा, राइट. सोरस ग्रुप बन गया है, बहुत सारे स्पोरेंजियम इकट्ठे हो गए, इन्हीं के अंदर स्पोर्स बनते हैं. करेंगे अब हम उसके बारे में बात. सो व्हाट आर दे आर द सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स. सो द वर्ड इज सीडलेस हियर क्योंकि इनके पास भी सीड्स नहीं है. सो वी यूज द वर्ड क्रिप्टोगैम्स, है ना. वेस्क्यूलर है क्योंकि पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम है. सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड ट्रैकियोफाइट्स. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस बच्चे, यस. सो स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब वो इतना इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन गैमेटोफाइट है. एंड इवन द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, हर्ष हर्ष बच्चे, इवन द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इज दैट क्लियर. सो स्पोरोफाइट इज प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. और याद है ब्रायोफाइट्स में एनसीईआरटी क्या कह रही थी राशिद, ब्रायोफाइट्स में एनसीईआरटी क्या कह रही थी कि ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, राइट. लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, याद है, ठीक है. सो जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं दे आर हैविंग द वेस्क्यूलर टिश्यू, राइट. लेकिन इसके केस में भी जो गैमेटोफाइट है फर्न्स के केस में, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट. यही रीजन है कि ये भी टेरिडोफाइट्स भी बहुत ज्यादा डाइवर्सली नहीं फैले हुए हैं, ये भी पानी के आसपास ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है बच्चे, चलिए. सो अगला पॉइंट ये देख सकते हो तुम लोग, ये दिख रहा होगा तुमको कि ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स मे बी,
अगर मैं लीफ की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगे. आदित्य, पीयूष, मेरे बच्चों, चैटिंग बाद में करना, भी फोकस कर लो, ठीक है जी. सो अगर तुम लोग यहाँ पर लीव की बात करो, कुछ के केस में क्या होगा, कुछ के केस में क्या होगा, बहुत छोटे छोटे से लीव्स होंगे, छोटे छोटे से लीव्स होंगे, राइट, छोटे छोटे से लीव्स. सो लीव्स, माइक्रोफाइलस, 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 ठीक है, समझ आया, समझ रहे हो. माइक्रोफाइलस सिंपल लीव्स हैं विद सिंगल वेन विच डू नॉट फॉर्म द लीव गैप्स इन द स्टेम. इक्विसेटम, हॉर्स टेल भी बोलते हैं इसको हम, हॉर्स टेल फर्न. इक्विसेटम, जैसे ये देखो, ये बीच में नोड्स आ गई, राइट, बीच यहाँ यहाँ पर नोड्स आ गई. सो लीव्स बहुत ही छोटे 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 तुम्हें मिलेंगे इनके केस में. और कुछ केसेस में तुम देखोगे कि वो जो स्पोरेंजियम है, स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर है, वो आपस में इतना कंडेंस्ड है, इतना मतलब इंडिविजुअली नहीं दिखेगा, वो फ्यूज होके कोन भी बना देता है जिसको हम स्ट्रोबाइलस कहते हैं, राइट, वो कोन भी बना देता है जिसको हम लोग स्ट्रोबाइलस कहते हैं. समझ में आया. एक आ जाता है तुम्हारा मेगाफाइलस, राइट. अब इनके पास पिन्नेट लीव्स है, ये मॉर्फोलॉजी करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, यहाँ सिंपल लीव की बात हो रही है या कंपाउंड की बात हो रही है, राइट. सो यहाँ पर लीव गैप भी है, एग्जाम्पल इज टेरिस, राइट, एग्जाम्पल इज टेरिस. सो अगर तुम लोग एक प्लांट बॉडी को देखोगे, प्लांट बॉडी को देखोगे, सो स्पोरोफाइट तुम्हारा डिप्लॉयड है, डेफिनेटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, मतलब बेसिकली क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, बेसिकली क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, कौन, तुम्हारा स्पोरोफाइट, राइट, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है जी, ठीक है जी. सो अब यहाँ पर उससे पहले हम लोगों को कुछ 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 और सीखना है, इसको छोड़ो, हम लोग इसको खुद डिस्कस करते हैं. सो रेडी हो, पेन और पेंसिल तैयार है, जल्दी बताना, पेन और पेंसिल तैयार है, जल्दी पेन पेंसिल तैयार है. जैसे अब तुम्हारे टेरिडोफाइट्स, ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन वी हैव द एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स एज वेल. कोई बता सकता है एक्वाटिक टेरिडोफाइट का एग्जांपल? नो डाउट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू दे आर टेरेस्ट्रियल. ये रह सकते हैं लैंड हैबिटेट पर, लेकिन हमारे पास एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स भी हैं. वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स एंड दैट एग्जाम्पल इज अजोला. लिखो पहले अजोला, सुना होगा तुमने अजोला एनाबीना, राइट, अजोला एनाबीना, जल्दी बताना, अजोला सुना है तुम लोगों ने, अजोला एक्वाटिक फर्न है ये, एक्वाटिक फर्न है ये, ठीक है बच्चे. सो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, राइट, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली. जैसे मान लो अगर एक प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर होंगे लीव्स, लीव्स, कुछ प्लांट्स में तुम्हारे सारे के सारे लीव्स एक तरह एकदम सेम होते हैं, कुछ में डिफरेंस भी आ जाता है, कहीं छोटे बड़े, ये वाला फर्क पड़ता है. अब इन सारे लीव्स में से कुछ एक ऐसे लीव्स होंगे, ये भी सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों. हमने क्या कहा, टेरिडोफाइट्स क्या है, ये लैंड प्लांट्स, और हम इन्हें क्या बुलाते हैं, हम इन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स, राइट, हम इन्हें क्या बुलाते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. एक्वाटिक टेरिडोफाइट का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया अजोला, इवन इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स, राइट बच्चे. एक मिनट रुकना, एक ना एक एक होता ना जैसे कई वेले लोग जो, हाँ सॉरी, आज से स्पैमर्स के लिए एक नाम रहेगा हमारी क्लास में, पढ़े लिखे गवार, समझ रहे हो. ओ अनिका बाय मिस्टेक, ओ अनिका अनिका अनिका, आई थिंक इट्स फाइन, जस्ट अ मिनट बच्चों. हाँ, आज से स्पैमर्स के लिए हमारी क्लास में क्या वर्ड रहेगा, आज से स्पैमर्स के लिए हमारी क्लास में क्या वर्ड रहेगा, पढ़े लिखे गवार, क्या वर्ड रहेगा, पढ़े लिखे गवार, ठीक है. पढ़ाई लिखाई की है, यूट्यूब चलाना सीख लिया, लेकिन हरकतें कोई सुधार नहीं है, तो पढ़े लिखे गवार. आज से कोई स्पैमर वर्ड यूज नहीं करेगा इस वर्ड, इस चीज को वायरल भी करने का. सो ये हैं पढ़े लिखे गवार, ठीक है. चलो, सो अब हमारे पास क्या आ गया, अब जब तुम लोगों ने इस प्लांट की बात की, सो यहाँ पर कुछ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विल हैव सम अदर स्ट्रक्चर्स इन विच स्पोर्स विल फॉर्म.
मतलब हमारे पास टेरिडोफाइट्स में कुछ एक पत्ते हैं, उन पत्तों के ऊपर होता है स्पोरेंजिया, ठीक है बच्चे वदर, उन पत्तों के ऊपर होता है स्पोरेंजिया, समझ रहे हो ना स्पोरेंजिया, जहां पर स्पोर बनेगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है लिख लो इसको, लिख लो इसको, समझ रहे हो। सो वी हैव अ प्लांट, प्लांट इज हैविंग द लीव्स, राइट। सो जिन लीव्स के पास, जिन पत्तों के पास स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज स्पोरेंजिया, उन पत्तों को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल, उन पत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। ये पॉइंट किस किस बच्चे को क्लियर हो गया, जल्दी बताना, जल्दी 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 फटाफट बताना, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। सो स्पोरोफिल्स आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर सैक लाइक स्पोरेंजिया है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, इस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स, क्या बनते हैं स्पोर्स, जिस जिसको याद हो गया एक बार यस मैम चैट बॉक्स में क्विकली जस्ट डू इट, इतना क्लियर है। अब इसी स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास होते हैं सेल्स, या पता है कौन से सेल्स, स्पोर मदर सेल। बच्चे जब ये वर्ड लग जाता है ना मदर सेल, डेफिनेटली इसमें मियोसिस होने वाली है। प्लांट्स के केस में तुम्हें जहां ये मदर सेल मिल जाए, अदरवाइज वैसे भी मिल जाए, ये जो मदर सेल होगा ना मंजशन बच्चे, ये जो मदर सेल होगा ना मम्मी वाला सेल, इट इज डिप्लॉयड, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड इट विल अंडरगो द मियोसिस, राइट शेख बच्चे। इस स्पोर मदर सेल में क्या होने वाली है, मियोसिस। So obviously बात है, we know that meiosis is a reductional division. It will take place in two rounds. It is a reductional division जो दो rounds में होती है, spore mother cell reductional division जो दो rounds में होती है, and it will result in the formation of haploid spores. So इस sporangium के अंदर क्या होगा, इस sporangium के अंदर, इस sporangium के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर spore mother cells होंगे which will undergo the meiosis, they will form the haploid spores. So अब तुम लोग relate करो, जब बच्चे आकाश ये हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज होंगे, जर्मिनेट होंगे, तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, यस और नो, यस और नो, गैमेटोफाइट बनाएंगे, यस और नो, जल्दी बताना, जल्दी बताना ये चीज, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है। सो कुछ एक के केस में स्पोरोफिल्स विल हैव द स्पोरेंजिया, कई बार बड़े सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे होकर एक सोरस वर्ड आ जाता है, और कुछ टेरिडोफाइट्स में तुम्हारे स्पोरोफिल्स इकट्ठे, इतने इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको तुम लोग स्ट्रोबाइलस कहते हो, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रोबाइलस कहते हैं या फिर कोन कहते हैं, ठीक है। कई बार ये स्पोरोफिल्स, ये पत्ते तुम्हें इंडिविजुअली दिखेंगे, इनके ऊपर स्पोरेंजिया मिलेंगे, स्पोरेंजिया भी ग्रुप में क्लस्टर में होते हैं, और यहाँ पर कुछ केसेस में तुम्हारे ये जो स्पोरोफिल है वो इतने ज़्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखेंगे कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड वी यूज टू कॉल इट एज स्ट्रोबाइलस, इतना क्लियर है। सो स्ट्रोबाइलस या कोन की एग्जाम्पल वाले कौन से टेरिडोफाइट्स है, दे आर सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। किन टेरिडोफाइट्स के पास ये मिलता है हमें, इट इज सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम, एग्जाम्पल्स लिख लो, सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम लिख लो, कहाँ कहाँ कौन मिल रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है प्रीति बच्चे। सो इट इज द सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम, दिस पार्ट ये लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स एंड इवन द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, इट सेम, इट्स अजोला, ओके, इट्स अजोला, क्लियर है, पक्की बात है। सुमन, सुमन पहले टॉपिक तो कराने दो बच्चे, ठीक है जी, डन, ठीक है, ओके। अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, दे यूज टू फॉर्म सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस। फ्यू प्लांट्स इन द केस ऑफ योर टेरिडोफाइट्स, दे आर होमोस्पोरस। होमो का मतलब तुम्हें पता ही है, होमो का मतलब होता है सेम। अब जैसे मान लो ये था मेरा स्पोरेंजियम, ये देखो ये था मेरा स्पोरेंजियम, अब इस स्पोरेंजियम ने जो स्पोर्स बनाए, जितने भी इसने हैप्लोइड स्पोर्स बनाए, अगर सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे सेम हैं, सो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। सेम तरह के स्पोर बना रहा है,
राइट बच्चे, ये क्या कर रहा है सुमन बच्चे, ये सेम तरह के स्पोर बना रहा है। तुम्हें एग्जाम्पल पता है, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल साथ के साथ लिखना अपने नोट्स, इस तरह से बनाना एग्जाम्पल साथ के साथ लिखना अपने नोट्स, साथ में ही बनाना। सो लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस लिखो, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस। ठीक है जी, हो जाएगा जल्दी, राइट हो गया ये, ठीक है जी, पक्की बात है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस। अब जब सेम तरह के स्पोर्स है, जब ये जर्मिनेट करेंगे, ऑब्वियस ही बात है जब स्पोर्स ही सेम तरह के हैं और जब ये जर्मिनेट करेंगे, सेम तरह का गैमेटोफाइट बनाएंगे, सेम तरह का गैमेटोफाइट बनाएंगे, एक जैसा ही गैमेटोफाइट बनेगा इससे हमें, है ना। बनाना तो स्पोर ने जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट ही है, जर्मिनेट होके आने का बच्चे गैमेटोफाइट ही है। सो फटाफट मेरे पास, मेरे को फटाफट एग्जाम्पल्स लिख दो, एक बार चैट बॉक्स में इसका, एक बार चैट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल्स लिख दो, जल्दी 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 जल्दी। सो इसके लिए एक ट्रिक रहेगी, जिसको ट्रिक याद रह जाए बहुत बढ़िया। इसकी ट्रिक है होम दिल्ली में, होम दिल्ली में। क्या है बच्चे ट्रिक का नाम? होम दिल्ली में, ठीक है, ठीक है। मतलब होम, होम से याद रखना होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ठीक है, दिल्ली। तुम्हारा डी ड्रायोटेरिस और लाइकोपोडियम, ड्रायोटेरिस और लाइकोपोडियम। सो किस, कैसे याद रखने हैं तुम्हारे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, होम दिल्ली में, राइट, होम दिल्ली में, ठीक है। क्या रहेगी ट्रिक? होम दिल्ली में, होम होमोस्पोरस दिल्ली, डी से ड्रायोटेरिस, एल से लाइकोपोडियम, बात खत्म, दिल्ली ल लाइकोपोडियम, राइट, ड्रायोटेरिस लाइकोपोडियम, ड्रायोटेरिस लाइकोपोडियम, ड्रायोटेरिस लाइकोपोडियम, डन। ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब आ गया हेट्रोस्पोर, अब क्या आ गए? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। कौन से टेरिडोफाइट्स आ गए हमारे पास? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। कौन से टेरिडोफाइट्स आ गए बच्चे? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, हेट्रोस्पोरस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, माने अलग, अलग तरह के स्पोर्स। सो इनमें से कुछ होंगे स्मॉल साइज्ड, डेफिनेटली वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, दे आर द माइक्रोस्पोर्स। कुछ होंगे तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स, कुछ होंगे तुम्हारे बड़े बड़े मेगा स्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और इसकी ट्रिक होती है हमारी, क्या होती है इसकी ट्रिक, कोई बता सकता है? हेट्रोस्पोर्स की क्या होती है हमारे पास ट्रिक्स? असम, राइट, इसकी क्या ट्रिक रहती है हमारे पास? इसकी ट्रिक रहती है हमारे पास असम, ए एस एस एम, असम। जैसे असम जगह का भी नाम है, उसके स्पेलिंग मत कंफ्यूज कर देना, इसकी ट्रिक रहती है असम। अब असम का क्या मतलब है? ए स्टैंड्स फॉर अजोला, योर स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और द एक्वाटिक टेरिडोफाइट। एस स्टैंड्स फॉर सेलेजिनाला, ठीक है जी, एस स्टैंड्स फॉर साल्विनिया एंड एम स्टैंड्स फॉर मार्सीलिया, एम स्टैंड्स फॉर मार्सीलिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? अजोला सेलेजिनाला साल्विनिया मार्सीलिया, अजोला सेलेजिनाला साल्विनिया मार्सीलिया, अजोला सेलेजिनाला साल्विनिया मार्सीलिया। और यहाँ पर क्या है? होम दिल्ली, होम दिल्ली का मतलब होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस, राइट। दूसरे की ट्रिक क्या है? असम, ए स्टैंड्स फॉर योर अजोला, एस एस स्टैंड्स फॉर सेलेजिनाला एंड साल्विनिया, एम स्टैंड्स फॉर मार्सीलिया। जिस जिसको याद हो गया फटाफट एक बार यस मैम यस मैम यस मैम चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी से। हेट्रो माने अलग अलग तरह के स्पोर, एक बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, एक बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। है ना, एक बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, एक बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? अब एक चीज का ख्याल रखना, देखो जो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हैं, जो टेरिडोफाइट्स मेरे होमोस्पोरस हैं, कौन सी एग्जांपल्स थी बताना जरा, मैं भूल गई, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की कौन सी एग्जांपल थी? जो बच्चा ये क्लासेस लगाएगा सारा टॉपिक साथ में याद करके जाएगा, राइट, क्या एग्जांपल थी यहाँ पर अंकित, अंकित भाई क्या एग्जांपल थी होमोस्पोरस की?
वेरी गुड. इट इज लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस. इट इज लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस. डन जी. अब अगला पॉइंट यहां पर बच्चे क्या आ जाता है, देखो. अब होमोस्पोरस माने सेम स्पोर, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स. सो जब ये सेम टाइप ऑफ स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, सो ये जो थैलस, ये जो गैमेटोफाइट बनाते हैं, राइट, ये जो गैमेटोफाइट बनाते हैं, दैट इज द मोनोएशियस गैमेटोफाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोएशियस? बाइसेक्सुअल. 10 बार बताइए ट्रिक. बीएमएच. मोनोएशियस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट. बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट. उस गैमेटोफाइट के पास मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे. दैट विल बी द बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट. उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही होंगे. ठीक है बच्चे आकाश, दोनों ही होंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सो वी नो द थिंग, राइट. वी नो वन थिंग, एंड व्हाट्स दैट, कि इसके केस में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स हैं. सो जो तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स थे, छोटे छोटे स्पोर्स थे, नेचर में मेल गैमीट वैसे स्मॉल ही रहता है, वो बनाएगा तुम्हारा मेल गैमीटोफाइट, राइट, मेल गैमीटोफाइट. और जो दूसरा है तुम्हारा मेगा स्पोर है, वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा फीमेल गैमीटोफाइट. व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट. ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमीटोफाइट. सो कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म द डायोशियस गैमीटोफाइट? कैन आई से दैट अनिका, इट इज गोइंग टू फॉर्म द डायोशियस गैमीटोफाइट? ये फॉर द डायोशियस गैमीटोफाइट बनाएगा, या डायोशियस, हाँ, डायोशियस गैमीटोफाइट बनाएगा. ठीक है, पक्की बात है, इतना क्लियर है? हाँ जी बच्चे शेख, इज दैट क्लियर? सो यहां पर क्या वर्ड आ गया? डायोशियस. डायोशियस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अब क्या होगा? ये था सिंगल स्पोर, ये गया जर्मिनेट होने की. अरे चलो जी, मैं गया जर्मिनेट होगा, मॉइस्ट सी कंडीशंस इसको चाहिए. डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोटिकली ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, बस डिवाइड करता रहेगा. एंड ये बनाता है प्रोथैलस, राइट, प्रोथैलस. डू नॉट कंफ्यूज प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस. प्रोटोनीमा हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में, मॉसिस के केस में, जब हमने कहा था कि वहां पर स्पोर जर्मिनेट हुआ और उसने क्या बनाया? प्रोटोनीमा. फिर उसके बाद एक लीफी गैमेटोफाइट बना. लेकिन यहां पर क्या है दर्श बच्चे, यहां पर मैंने कहा कि एक हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके सिंगल सेल से धीरे धीरे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, एक मल्टी सेलुलर सा गैमेटोफाइट बनाएगा और उसको हम लोग कहते हैं प्रोथैलस. सो थैलोइड, इट्स अ थैलस लाइक गैमेटोफाइट. व्हाट इज प्रोथैलस? इट्स अ थैलोइड गैमेटोफाइट. व्हाट इज दैट? दैट इज अ थैलोइड गैमेटोफाइट. ये एक थैलस लाइक गैमेटोफाइट है. ये एक थैलस लाइक गैमेटोफाइट है. क्या है ये? ये एक थैलोइड गैमेटोफाइट है. एंड इट रिक्वायर्स द कूल, द डे, द कूल, द डैम्प एंड द शेडी प्लेस, शेडी प्लेसेस फॉर इट्स जर्मिनेशन, एंड शेडी प्लेसेस फॉर इट्स जर्मिनेशन. अपनी जर्मिनेशन के लिए इसको ये चाहिए. ओके ओके, इज दैट क्लियर? श्योर बच्चे, श्योर बच्चे. सो इन गैमेटोफाइट्स को भी पानी चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन. इसीलिए, इसीलिए ये क्या होता है बच्चे, इसीलिए क्या होता है कि ये लिमिटेड रहते हैं. फर्न्स भी जगह जगह नहीं फैले हुए हैं, राइट, जगह जगह नहीं फैले हुए हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोथैलस, इट इज इंडिपेंडेंट. ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है तो मतलब फोटोसिंथेटिक है, राइट अनिका? इंडिपेंडेंट है तो मतलब फोटोसिंथेटिक है, राइट बच्चे? राइट, इंडिपेंडेंट है. उसके अलावा जो दूसरी चीज यहां पर आ जाती है, राइट, इसी प्रोथैलस पर धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, गैमेटेंजिया बनेगा, विच इज डेफिनेटली मल्टी सेलुलर. ठीक है जी, विच इज डेफिनेटली मल्टी सेलुलर. एक एक वर्ड क्लियर हुआ जो तुम्हें कंफ्यूज करता है, कि प्रोथैलस यूजुअली इंडिपेंडेंट है एंड डेवलप्स गैमेटेंजिया और सेक्स ऑर्गन्स. डेवलप्स गैमेटेंजिया एंड सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है बच्चे, डन डन.
ओके ठीक है. सो अब तुम लोग देखोगे धीरे धीरे, चलो अब मेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, इसी तरह से स्टोरी चलेगी. उससे पहले ये स्ट्रोबाइली एंड स्पोरेंजिया देख लो. ये देखो एक लीफ पे, लीफ पर जब स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर है, इट इज स्पोरेंजियम, दिस लीफ इज स्पोरोफिल. और कई बार ये देखो एकदम से कंडेंस हो जाते हैं, ये छोटे छोटे लीव्स एकदम से साथ में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, धीरे धीरे कोन बना देते हैं, धीरे धीरे कोन बना देते हैं, स्ट्रोबाइली. राइट, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस मैंने तुम्हें बता दिया, और दिल्ली वाला बताया, ड्रायोटेरिस का एग्जाम्पल ही भी है, टेरिडियम भी हो गया, ये भी एग्जाम्पल्स हो गए. डन, वी आर डन विद इट. सो ये तुम लोग देख सकते हो, सी दिस स्पोरेंजिया. ये शायद तुम लोगों ने देखा होगा, कभी नोटिस नहीं किया होगा. घरों में जो फर्न्स लगती है ना, इन फर्न्स के आसपास यहाँ पर ऐसे राउंडेड राउंडेड येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. मैं तुम्हें दिखाऊंगी किसी दिन, ठीक है. इसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं. इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, सोरस कह देते हैं हम इसे, एक ग्रुप बना लिया है. राइट, सोरस कह देते हैं पूनम हम इसे, ठीक है बच्चे. बाकी ये देखो तुम्हारी अलग अलग मॉसेस की एग्जाम्पल, क्लब मॉस लाइकोपोडियम को बोलते हैं, लिख लो. लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, लिख लो. यस बच्चे, डू इट. लाइकोपोडियम को हम क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल इट एज क्लब मॉस. सो दे ऑफन हैव क्लब लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूसेस द स्पोर्स. कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तुम्हारी लाइकोपोडियम का. यू कैन सी दैट दिस इज द लाइकोपोडियम. करना कभी ऑब्जर्व इसे. फिर ये आ गया जाइलोटम, जिसको विस्क फर्न भी कह देते हैं. जाइलोटम, दिस इज जाइलोटम. ये देखो ऐसा दिखता है जाइलोटम. सो पुराने टाइम पे इसको झाड़ू लगाने के लिए यूज किया जाता था. तुम्हें पता है पुराने टाइम पे इस फर्न को ना झाड़ू लगाने के लिए यूज किया जाता था जाइलोटम को. इसकी ऐसे पत्तियां सी इकट्ठी कर ली, सफाई कर दी इससे, समझ रहे हो. फिर ये देखो हॉर्सटेल इक्विसेटम, जिसमें स्ट्रोबाइलस है. राइट, सो ये लगता तुम्हें घोड़े की पूंछ ऐसा नहीं है, जैसे घोड़े की पूंछ में जगह जगह यहाँ से ऐसे बाल बाल से, सो घोड़े की पूंछ जैसा मानते हैं इसे, ठीक है. घोड़े की पूंछ जैसा लगता है ये, ठीक है. ये एग्जांपल्स है. बाकी मैंने एक फॉन एडियंटम, एडियंटम. सो एडियंटम वर्ड का मतलब होता है अनवेटेड. राइट, क्योंकि ये क्या करती है, ये वाटर को रिपेल करती है. राइट, वाटर को रिपेल करती है, इसके आसपास पानी ऐसे टिक नहीं पाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो. ये इसीलिए बोला है. ये अलग अलग फर्न्स मैंने तुम्हें सुंदर सुंदर दिखा दी. सो बाकी मैंने तुम्हें बता दिया स्पोर्स, दे विल जर्मिनेट, दे विल फॉर्म द प्रोथालस. राइट बच्चे, दे विल फॉर्म द प्रोथालस, और इसी प्रोथालस पर धीरे धीरे गैमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे. सो एंथेरिडिया इज फॉर मेल, आर्किगोनिया इज फॉर फीमेल. आर्किगोनिया इज फॉर फीमेल. इतना किस किस बच्चे को याद हो गया, इतना किस किस बच्चे को याद हो गया. वसीम रेगुलर नहीं हो क्या बच्चे आजकल क्लासेस के लिए? सुरभि भी, मुझे लग नहीं रहा कि वो भी रेगुलर है आजकल क्लासेस के लिए. हाँ क्या चक्कर है, बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो. चलो, सो बाकी तुम्हें पता ही है एंथेरिडिया स्मॉल सेसाइल, माने फिक्स्ड टू अ प्लेस, इट इज नॉट मोटाइल, मेल सेक्स ऑर्गन. सो ये भी क्या बनाएगा एंथेरिडिया, बायफ्लेजिलेटेड स्पर्म, बायफ्लेजिलेटेड स्पर्म. ओके, एंड आर्किगोनियम के केस में क्या है, एग बनाएगा, ठीक है जी, एग बनाएगा बस. सो वाटर दोनों की फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, यही रीजन है इन गैमेटोफाइट्स के केस में पानी चाहिए ही चाहिए. यही रीजन है बच्चे, यही रीजन है कि ये है ना, कि ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे तुम्हें. ओके डन बच्चे. और एक और चीज याद रखना, जैसे लेट्स से दिस इज द आर्किगोनियम, लेट्स से दिस इज द आर्किगोनियम. अब तुम्हें पता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर होगा, इतना पता है. जरा एक एग्जांपल कंसीडर करना, एक कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्या गलत है मैम, गलत है क्या, गलत है, अरे मैडम तो गलत है, क्या गलत है दर्श, क्या गलत है बताओ बच्चे. मैडम पूरी गलत है, मैं क्या करूं. ठीक है, सो सेक्स ऑर्गन्स मैंने तुम्हें बता दिया था, बायफ्लेजिलेटेड एंथीरोजोइड्स बनाएंगे, मल्टीफ्लेजिलेटेड भी बना सकते हैं. आर्किगोनिया अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं,
ठीक है, आर्किगोनिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर इंडिविजुअली इन फर्न्स के बारे में बात करते हैं. सो अब एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को. मैम गलत है, मैम गलत है, मैम गलत है. एक और हमारे पास पढ़े लिखे, चलो जी इसका भी ओके चलो. ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, अब यहां पर मेरे पास अगला पॉइंट क्या है. अब देखो वाटर इसके लिए असेंशियल है, इसके लिए भी, इस गैमेटोफाइट के लिए भी, इसीलिए ये लिमिटेड है एक जगह पर. बच्चे अब तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, ध्यान से समझना. गैमेटोफाइट तुम्हें पता है गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यस और नो? गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यस और नो? अनुराधा बताओ, गैमेटोफाइट के ऊपर ही होंगे ना सेक्स ऑर्गन्स? हाँ जी. अब जैसे मान लो अगर मेरा एक प्लांट, एक गैमेटोफाइट अगर मेरा मोनोइशियस है, अगर मेरा एक गैमेटोफाइट मोनोइशियस है, ऑब्वियसली उस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे. बाकी जो मेरे डाइशियस गैमेटोफाइट है बच्चे, जो मेरे डायोइशियस गैमेटोफाइट है बच्चे, उसमें क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट तुम्हारा अलग होगा, राइट? और फीमेल गैमेटोफाइट तुम्हारा अलग होगा. तो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर होगा एंथेरिडियम और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही होगा आर्किगोनियम. पिछली क्लास में, ब्रायोफाइट की क्लास में पलक, मैंने तुम्हें कहा था कि आर्किगोनियम एक तरह से तुम कह लो फनल फ्लास से शेप का है, कुछ इस तरह से शेप का है. ठीक है, इसके पास ऐसे नेक सेल, वेंटर सेल होंगे. ठीक है, उसको छोड़ो. अब इस आर्किगोनियम में तुम्हारा वो एग है जिसको स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है जिसको स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जिसको वो बायोफ्लेजिलेटेड एंथीरोजॉइड फर्टिलाइज करेगा. फिजा विद द हेल्प ऑफ वाटर इन दैट फ्लेजेला वो यहाँ एंटर करेगा, वो यहाँ एंटर करेगा, राइट शेक बच्चे? वो यहाँ एंटर करेगा, वो इस गैमीट को फ्यूज करेगा, और जब गैमीट, दो गैमीट फ्यूज हो गए तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो बनता है जाइगोट. जब दो गैमीट फ्यूज हो गए तो क्या बनता है बच्चों, तो बनता है जाइगोट. जब दो गैमीट फ्यूज हो गए तो क्या बनता है बच्चों, जाइगोट. अब यही जाइगोट इसी गैमेटोफाइट के ऊपर, यही जाइगोट इसी गैमेटोफाइट के ऊपर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और क्या बनाएगा एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एक डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, अपना सेल नंबर बढ़ा रहा है. ये जाइगोट क्या बनाने वाला है, ये जाइगोट क्या बनाने वाला है, एमके खान, सिद्धार्थ? यस बच्चे, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, अनिका, वेरी बैड. हैप्लॉइड स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ एल्गी के केस में थे, सिर्फ एल्गी में एम्ब्रियो नहीं है, सिर्फ एल्गी के केस में जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस. बाकी केसेस में तो मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया कि स्पोरेंजियम में एक स्पोर मदर सेल बनाएंगे फर्दर तुम्हारे हैप्लॉइड स्पोर्स. यहाँ पे तो प्रॉपर एम्ब्रियो है, यहाँ पे तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन है. गलत बात बच्चे, रिवाइज करना शुरू करो. ठीक है, सो ये जाइगोट माइटोटिकली ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा. इट इज गोइंग टू फॉर्म दैट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, राइट? इट इज गोइंग टू फॉर्म द मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज. ठीक है जी, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ वॉट, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ वॉट, टेरिडोफाइट. ठीक है, सो जाइगोट बना, वो डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, कंप्लीटली पार्शली जैसे भी डिवाइड किया, एम्ब्रियो बना, धीरे धीरे उससे बनेगा स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट. समझ में आया? और वो स्पोरोफाइट इसी गैमेटोफाइट पर रिटेन्ड है, फीमेल पार्ट पर रिटेन्ड है. सो एक ना एक तरह से ये जो फ्यूचर में, जो जिम्नो एंजियोस्पर्म में जो सीड्स बने हैं, उस सीड हैबिटेट का ये आदत, ये तरीका, इट वॉज अ प्रिकर्सर. ये 11th में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट? पता नहीं ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आता है कि इट इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट सीड हैबिटेट. ये जो ये तरीका था, इट वॉज द प्रिकर्सर ऑफ दैट सीड हैबिटेट. ठीक है, सो ये देखो, सो गैमीट प्रोथैलस इज वॉट, इट्स अ मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट, एक हार्ट शेप्ड सा दिखता है. सो अगर वो मोनोइशियस है, एंथेरिडियम आर्किगोनियम इसी पर ही, सो ये देखो, सो दीज गैमीट्स फॉर देयर मूवमेंट, दिस स्पर्म, इट नीड्स वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट इन्हें भी है. ये देखो जाइगोट बना, इस यही जाइगोट स्पोरोफाइट में ग्रो किया, सो गैमेटोफाइट नीचे प्रिटेंड रह गया, ऊपर स्पोरोफाइट बन जाएगा.
So again, the same cycle will be repeated. So this is the haplontic diplontic life cycle in the case of your pteridophytes. In the case of your pteridophytes. Samajh mein aaya? So pteridophytes mein further hame pata hai, further classification mein xylopsida hai. Pata hai na, ye NCERT mein de rakha hai. Further iski jo classification hai, usme kya kya hai? Xylopsida, lycopsida, sphenopsida, pteropsida. क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास ज़ाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. ज़ाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये याद रखना है. सो ज़ाइलोप्सिडा में ज़ाइलोटम, मैंने तुम्हें बताया था झाड़ू वाड़ू लगाते थे पहले के टाइम पे से. सेलेजिनाला एंड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम याद है ना, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोटेरिस होमोस्पोरस. सेलेजिनाला, साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला, राइट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हेट्रोस्पोरस. ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है. सो ज़ाइलोप्सिडा सबसे पुराने लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स माने जाते हैं. दे आर रूटलेट्स, रूटलेस, राइजोइड्स आर प्रेजेंट. ये होमोस्पोरस है और कई प्लांट्स इसमें से फॉसिलाइज हो चुके हैं. लाइकोप्सिडा जिसमें क्लब मॉसेस आ जाते हैं, राइट. सो यहाँ पर तुम लोगों को भी होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों का एग्जाम्पल मिल रहा है. स्फिनोप्सिडा में तुम्हें पता है नोट्स पर जहाँ वो गांठे सी हैं वहाँ छोटे 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 लीव्स दिखते हैं. इक्विसिटम को याद करो, राइट. और यहाँ पर तुम्हें पता है फैन लाइक लीव्स आर देयर, राइट. फैन लाइक लीव्स आर देयर. सो ये पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा. बाकी अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइट्स की, हाँ, फूड का सोर्स भी एक्ट कर सकते हैं. कई ट्राइबल एरियाज में मार्सिलिया को खाया जाता था, मार्सिलिया के स्पोरों का आपको कुक किया जाता था और खाया जाता था बाइंडिंग ऑफ सॉइल के लिए, राइट. ताकि जब ऑब्वियसली ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल के इरोजन को नहीं होने देंगे, राइट. सॉइल के इरोजन को नहीं होने देंगे. फिर आ जाती है स्काउरिंग. ये बता सकता है कोई? जैसे बर्तन बर्तन नहीं घिसते, जैसे तुमने देखा है वो नारियल के छिलकों से पाठ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा. कभी देखा है किसी ने नारियल? पता है ना नारियल, कोकोनट, ब्राउन कलर का, उसके कॉयर को ऐसे निकाल लो, उससे भी बर्तन धुले जाते थे. मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था. वॉइस का क्या इशू आ रहा है सिद्धार्थ? क्या इशू आ रहा है वॉइस का? सो वैसे ही इन टेरिडोफाइट्स से भी बर्तन धोने के, किसी चीज़ को पॉलिशिंग करने के इक्विसिटम काम आता था. एंड यस, दिस फोन योर अजोला, द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, द एक्वेटिक फोन, दिस अजोला, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एनाबीना के साथ. तुमने शायद पढ़ा होगा, दिस अजोला इज द एक्वेटिक फोन. सो विद दिस ब्लू ग्रीन एल्गी विद द साइनोबैक्टीरिया, इट यूज टू फिक्स द नाइट्रोजन. सो ऑब्वियसली इट इज एक्टिंग लाइक अ बायो फर्टिलाइजर, राइट. मेडिसिन की तरह कई प्लांट्स के रहीजोम्स कुछ एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनाने के काम आते हैं, हेलमिंथिक इन्फेक्शन से लड़ने के काम आते हैं, राइट. सो इक्विसिटम प्रिपरेशन ऑफ डायूरेटिक मतलब जिससे एक्सेस ऑफ यूरिनेशन हो, इस तरह के ड्रग्स बनाने में काम आता है. ऑर्नामेंटल भी हैं, सजावट के काम आते हैं, ठीक है, सजावट के काम आते हैं. सो दिस इज योर सेलेजिनाला. सो लिख लेना सेलेजिनाला के बगल में हेट्रोस्पोरस. इक्विसिटम नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है. सो ये देखो, सो दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फॉर्न्स, यस मैम. यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स, यस मैम. सो और टेरिडोफाइट्स की एग्जाम्पल तुम लोग फाइंड आउट करोगे जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं. ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है. और टेरिडोफाइट्स जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं तुम उनकी एग्जाम्पल्स नोट करोगे, ठीक है. ऑर्नामेंटल माने सजावट के लिए. सो इवोल्यूशनरी देखा जाए तो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है बच्चे. कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस इन्हें भी चाहिए. समझ रहे हो. सो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है जिसके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स है. अब एक भी लाइन में अगर कोई डाउट है तो पूछो, हिमांशी. यस बच्चे. सो दीज ऑर्गन डिपोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रैकियोफाइट्स. सो इम्पॉर्टेंट इट इज, ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रैकियोफाइट्स, राइट. सो उसके अलावा क्या है? लीव्स क्या है? छोटे छोटे माइक्रोस्पोरोफिल सेलेजिनाला में, लार्ज होंगे तुम्हारे फॉर्न्स में मैक्रोस्पोरोफिल. स्पोरोफाइट तुम्हें पता ही है, वहां जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है, वी यूज टू कॉल देम एज स्पोरोफिल्स. सो जहां पर स्पोरोफिल ने कोन बनाया, एग्जांपल है सेलेजिनाला एंड इक्विसेटम.
सेलेजिनल एंड हुई सेटम. सो स्पोरेंजिया स्पोर बनाएगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और वो क्या बनाएगा, इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट. सो इनके केस में ये डायग्राम्स भी याद रखना, सेलेजिनाला साल्विनिया का भी मैंने तुम्हें बता दिया. सो गैमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर होगा एंड फोटोसिंथेटिक होगा, दैट इज वाई दे आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग. द एग्जाम्पल इज प्रोथैलस, राइट, द एग्जाम्पल इज प्रोथैलस, इज दैट क्लियर? द एग्जाम्पल इज वॉट, द एग्जाम्पल इज प्रोथैलस. बाकी तुम्हें पता है गैमेटोफाइट्स को वाटर भी चाहिए, शेडी प्लेसेस भी चाहिए, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों, राइट, लिमिटेड है बच्चों. सो गैमेटोफाइट्स के पास मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है. एंड यस, हेयर ऑल्सो सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, कवरिंग्स हैं इनके पास, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में भी स्टडी किया, राइट. सो जाइगोट जब डिवाइड करेगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा जो डोमिनेंट फेज है. सो वो स्पोरोफाइट उस गैमेटोफाइट पे ही रह जाएगा. बाकी ये देखो, ये तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स दे आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन. जस्ट मार्क इट बच्चे, इस वाले पार्ट को मार्क करो, ठीक है, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो उस पेरेंट स्पोरोफाइट पे वेरिएबल पीरियड तक रहेगा, रिटेन्ड रहेगा उसके साथ, राइट, स्पोरोफाइट के साथ रिटेन्ड रहेगा. और जाइगोट का जो डेवलपमेंट हुआ है, मैंने तुम्हें दिखाया था ना जाइगोट, उसी के अंदर डिवाइड किया, एम्ब्रियो बना, फिर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर से ही वो स्पोरोफाइट निकला, दिखाया था, यस बच्चे अर्पिता, गो फॉर इट, दिखाया था. ये देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स. The development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte and this is the precursor. माने precursor माने किसी चीज़ को start करना, seed habit का precursor, and this is very 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 important. Literally this is very important. ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया, ठीक है. Examples सब लोगों ने discuss कर ली. हाँ जी बच्चे, कुछ भी में से कुछ तो आया होगा अंकित भाई, क्योंकि आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चे कनिष्का, कि जो सेम क्लास में है, कोई होमो है कोई हेट्रो है. कुछ प्लांट्स में तुम्हारे पास होमोस्पोरस स्पोर्स बन रहे हैं, कुछ में हेट्रो है. हाँ जी बताओ बच्चे अंकित, कौन सा कोई पर्टिकुलर डाउट बताओ जल्दी. हाँ जी क्या डाउट है कनिष्का, एक क्लास में रखने का यही मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये होता है और भी कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन होमो हेट्रो वाला फैक्टर नहीं रहेगा डोमिनेंट बच्चे, ठीक है. चलो, सो प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स व्हाट, अपेंडेजेस, जैसे किसी के भी, अभी राशिद कॉकरोच के केस में हम लोग नहीं बोलते ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है, उसके लेग्स वेग्स उसके सारे वो पार्ट्स गिन लेते हैं, तो इस तरह से, ठीक है जी. हाँ जी क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर आंसर, प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफिटिक फेज इन अ फोन, बिल्कुल सही. चलो, क्लब मॉस बिलोंग्स टू, क्लब मॉस, देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मॉसेस तो ब्रायोफाइट है. सो जिस बच्चे को ये नहीं पता कि क्लब मॉस एक, राइट, एक टेरिडोफाइट को क्लब मॉस बोला गया है, जिस बच्चे को ये नहीं पता वो गलत कर देगा कि नहीं करेगा, बताना जरा, दिक्कत आ जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी. सो फ्लोएम इज विदाउट डैश इन टेरिडोफाइट्स. हाँ ये वाला क्वेश्चन वैसे एनाटॉमी के लिए रखा था, बट ठीक है, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई. फ्लोएम इज विदाउट डैश इन अ टेरिडोफाइट, गिव इट अ ट्राई. गुड, विदाउट द कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये कंपेनियन सेल्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, नहीं. चलो जी, सो इफ देर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. एकलव्य के लिए रजिस्टर कर लेना, वीक क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहाँ पर तुम लोगों को कल तक तुम्हारा ये PDF मिल जाएगा.
आज शाम को 9 बजे जो क्लास है हम लोग इम्यूनिटी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, राइट बच्चे, इम्यूनिटी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड, राइट, बी प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज प्रॉपरली करो. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अगली क्लास हमारी मंडे को रहेगी 3:30 पर, और उस क्लास में हम लोग तुम्हारा जिम्नो और एनजीओ फिनिश कर देंगे. जल्दी ही तुम्हारा वन शॉट होगा, ठीक है, जल्दी ही तुम्हारा वन शॉट होगा, राइट, प्लांट किंगडम का भी, एनिमल किंगडम का भी. सो इट इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर रिवीजन. सो स्टे ट्यून्ड बच्चे. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो. होमवर्क तुम लोगों ने बताना है चैट बॉक्स में, सारे बच्चे बताएंगे. तुम्हें मेडिसिनल टेरिडोफाइट्स के नाम लिखने हैं, एक. दूसरा तुम्हें यह बताना है कौन सा होमोस्पोरस है, कौन सा हेट्रो. ये तीन पॉइंट्स में तुम लोग होमवर्क लिखोगे, इन तीन पॉइंट्स में तुम लोग होमवर्क लिखोगे. गुड बच्चे आकाश, वेरी गुड बच्चे आकाश. हाँ जी सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच बच्चे फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड, ठीक है. स्कूलिंग से लेट होते, इट्स ओके, इट्स ओके वसीम, बाद में चेक कर लिया करो रिकॉर्डेड पार्ट. सो टेक केयर, बाय बाय. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. चैट बॉक्स में भी तुम अपने डाउट टाइप कर सकते हो बच्चे. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्पिता, यू कैन गो फॉर दैट. जी सिद्धार्थ, चलो. हाँ जी फिजा, बोलो.